हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेजिकल स्टाइल। एज यू ऑलरेडी नो फ्रॉम द टाइटल ऑफ माय वीडियो, आज का वीडियो होने वाला है पर्पल मिनी हॉल। मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स मैंने पिक किए हैं वो है फ्रॉम द ब्रांड अस्टेक वर्क की। जो सबसे अच्छा मुझे इस प्रोडक्ट में लगे हैं, इस ब्रांड में लगे हैं, एक तो ये अफोर्डेबल रेंज में आता है, दूसरा काम अच्छा देता है, तीसरा इसके जो पैकेट्स आते हैं वो बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आते हैं, जो आपको एक तो प्रोडक्ट ज़्यादा वेस्ट नहीं जाएगा। हालांकि मैं प्रोडक्ट वेस्ट नहीं करने देती हूँ, उसको कहीं ना कहीं किसी तरीके से मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अगर आप उसको किसी भी तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो तो हाँ, मतलब वेस्ट होने में इतना दुख नहीं होगा। एक तो ज़्यादा पैसे स्पेंड नहीं कर रहे हो, दूसरा हाँ, प्रोडक्ट थोड़ा सा ही तो वेस्ट हो रहा है तो इतना उस मतलब दिल पे नहीं लगेगा। करेक्ट, जितने सारे प्रोडक्ट के MRP प्राइसेस है वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, एंड सेल प्राइस भी है, जितने प्राइस में मैंने उनको खरीदा है वो भी आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। बाकी जितने सारे डिटेल्स है, क्वांटिटी, क्वालिटी, पैकेजिंग, एवरीथिंग आई विल मेंशन प्रॉपरली। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब हिट कर देना, लाइक बटन अगर आगे जाके पसंद आया तो, और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे रैंडम प्रोडक्ट्स पिक किए हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, बहुत कम ही प्रोडक्ट्स हैं, मिनी हॉल है। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है ये हाइलाइटर। ऐसा दिख रहा है, मैं आपके साथ फर्स्ट इम्प्रेशन शेयर करना चाहती थी इसीलिए मैंने इनको ओपन भी नहीं किया है। एक्चुअली फीलिंग ही नहीं आएगी अगर मैं इनको पहले से देख के आपके साथ फर्स्ट इम्प्रेशन शेयर कर रही हूँ, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, रियल नहीं लगेगा। आई थिंक हाँ, ये इल्यूमिनेटर है। एक्चुअली मैंने यूज़ नहीं किया है टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसमें जो शेड है ये है 1 गेटिंग वार्मर। देखते हैं पैकेजिंग, मुझे हर टाइम पे स्टेक वर्की का अच्छा लगता है। इसका यहाँ पे एक्सपायरी डेट एंड मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखा है, वो जो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो सितंबर 2020 को हुआ है, और ये जो एक्सपायरी होता है वो है 2022 को। इसमें इंग्रेडिएंट्स प्रॉपरली मेंशनड है जो कि आप आराम से देख सकते हो। जो अच्छा लगता है मुझे इस प्रोडक्ट में, इनका पैकेजिंग और उनके वैरायटी और अच्छे ड्रामेटिक नाम ये प्रोवाइड करते हैं। सो चलते हैं पैकेजिंग, मतलब अंदर कैसा है। ऑलरेडी आप लोगों ने अगर देखा होगा बहुत जगह पे इनका रिव्यू चलता है, तो पैकेजिंग के बारे में मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में देख लिया था, लेकिन पर्सनली मैं अभी देख रही हूँ। ये बिल्कुल इंक पेन बचपन में जैसे हम लिखते थे वैसे ही आया है। ट्रैवल फ्रेंडली है, बहुत स्टडी पैकेजिंग है, चीप नहीं लगेगा आपको। तो यहाँ पे मैं कैन यू सी, हाँ, ये इल्यूमिनेटर के लिए अच्छा है। ये थोड़ा सा ग्लिटर आपके स्किन में हल्का सा ग्लिटर छोड़ के जाएगा, ये हाइलाइटर का काम नहीं करेगा, ये प्रॉपर एक इल्यूमिनेटर है। सो यहाँ पे इसका पैकेजिंग एवरीथिंग फिर से मेंशन किया है, अगर आपका ये कार्डबोर्ड वाला पैकेजिंग खो भी जाए तो आप इसमें से इसको याद कर सकते हो। देन मेरे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है फ्रॉम द ब्रांड स्विस ब्यूटी। ये वाला प्रोडक्ट मैंने रिव्यू देख के ही लिया था। आप चाहे अमेजोन पे रिव्यू देख लो, नायका में रिव्यू देख लो, पर्पल में रिव्यू देख लो, आपको हर जगह ये वाले प्रोडक्ट के अच्छे रिव्यू मिलेंगे। और बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर से मैंने ये वाले प्रोडक्ट के रिव्यू अच्छे से देखे थे। इसमें मेरा शेड है, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन दिस। यस फाइनली, कार्डबोर्ड पैकेजिंग को हटाओ, फ्रंट सेक्शन में इसी तरीके का है। इसमें जो मेरा शेड है वो है 02, एंड आई लाइक द पैकेजिंग, बहुत स्टडी है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, कैन यू सी द कलर्स। सच में मतलब कलर देख के ही आपका इसका जो रिचनेस है वो समझ में आ रहा है। मैं आपको स्वच्च करके दिखाती हूँ, इतने अच्छे कलर्स दिख रहे हैं, बहुत हाई क्वालिटी के दिख रहे हैं, मतलब नहीं लगेगा कि इतने कम रुपए में ही आता है। I'm just taking this shade, okay? बहुत सही है, ये वाला शेड ले रही हूँ आपके लिए, ये बहुत, कैन यू सी, बहुत सही है, बहुत सही है। और ये है शैम्पेन कलर के, मुझे इसको सर्च करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, फिर भी आप लोग के लिए मैं सर्च कर रही हूँ। बहुत सही वाला कलर है, बहुत सही, कैन यू सी दैट, बहुत सही कलर है। अगर आप बिगनर हो, अगर आप एक अच्छा खासा आई शेडो ढूंढ रहे हो,
तो डेफिनेटली इसको बाय कर लो, ये बहुत ज्यादा सही होने वाला है। मैं जब अप्लाई करूंगी आईज पे तब पता चलेगा ये कितना फॉल आउट होता है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन में ये बहुत सही काम किया है। जो पहला लुक है इसका, पैकेजिंग, इसका जो क्वालिटी, एवरीथिंग इज सो गुड। या लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दिस। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो है फ्रॉम द ब्रांड वेलावोस्ते। मैंने इसको भी ओपन नहीं किया है, लेट मी ओपन दिस। क्या खुल गया, मतलब ये रह गया अंदर। ओके एनीवेज मैं डाल देती हूँ इसको इसके अंदर। आई एम इन द शेड 04, टेक माई ब्रीज अवे। इसका जो ये लिप क्रेयॉन है, बाय द वे दिख भी रहा है, मैंने इनके काजल्स, कलर काजल्स यूज किए हैं, और मैंने कोई भी प्रोडक्ट इनके यूज नहीं किए थे, तो ये मेरा सेकंड परचेज है और बहुत ही लो प्राइस में आया है। इनका जो पैकेजिंग वो तो ऑलरेडी आपको दिख गया है, लेकिन मैं जब इसको ओपन कर रही हूँ बहुत सही लग रहा है, लेकिन ये जो पीछे वाला पैकेजिंग है वो बिल्कुल खराब है। मतलब ओपन करते करते ही ये पीछे के साइड वहां पे रह गया। इसका स्वच्छ मैं आपको दिखा के, मतलब दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके का है। इसका भी मैं रिव्यू देख के ही ली थी। कैन यू सी दैट, ये क्लेम करते हैं ये मैट है, मैट फिनिश देता है, जो कि ऑब्वियसली देता है ये। इसका जो स्मज टेस्ट है एंड इसका जो वाटरप्रूफ टेस्ट है, उसको मैं अप्लाई करने के बाद ही मैं आपको प्रॉपरली बता पाऊंगी, लेकिन अभी के लिए कलर एंड इसका जो पिगमेंटेशन है, एवरीथिंग इज सो गुड। आई एम हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। और बस ये जो पीछे साइड निकल गया मुझे वो अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ओपन दिस स्टे क्वर्की प्राइमर ऑयल। मेरा जो प्राइमर ऑयल था वो खो गया था कहीं, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। अगर मुझे अच्छा लगे आगे जाके इसको, मैं फिर से इसको मैं फिर से ऑर्डर करूँगी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, स्टे क्वर्की के जितने सारे मैं अभी प्रोडक्ट ओपन करूँगी आपको दिखेगा, बहुत कम क्वांटिटी के साथ आपको अच्छे प्राइस में ये मिल जाएंगे, सो दैट वेस्ट नहीं होंगे प्रोडक्ट्स। इसमें मुझे दो डिब डब्बा मिल रहा है, नहीं दो डब्बा नहीं। अच्छा ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दिस। बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है, मैं इसको ओपन कर रही हूँ। आई कैन नॉट यूज दिस, लेकिन आगे जाके मैं यूज करूंगी। अच्छा ओके, इसको भी मुझे निकालना पड़ेगा। एंड सामने लिखा है स्टे क्वर्की फर्स्ट बेस प्राइमर ऑयल, इसको आप प्राइमर की तरह यूज कर सकते हो। और ये ड्रॉपर दिया है, ड्रॉपर के साथ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा, लाके यूज कर सकते हो। या अगर आप चाहते हो स्टे क्वर्की प्रोडक्ट को लेकर मैं वन राउंड मेकअप आपके साथ शेयर करूँ, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, आई विल डू दैट फॉर यू। इसको रख देते हैं अभी अंदर, चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में। अभी चलते हैं ये स्टे क्वर्की कंसीलर मिनीज हाइट माई हिकी, नाम अच्छा है। इसको ओपन करने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है मुझे पैकेजिंग, और पैकेजिंग भी बहुत सही है, और मुझे इतने से इतने सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इसको प्रॉपरली यूज़ करूँगी आगे तक, नहीं तो मैं कहीं ना कहीं इसको मैनेज करके, अगर वो प्रॉपर कंसीलर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा और शेड ऐड करके फाउंडेशन के साथ मैं इसको बेस मेकअप की तरह यूज़ कर सकती हूँ। एनीवे स्मार्टनेस तो थोड़ा दिखाना पड़ेगा, करेक्ट। कंसीलर का मैं क्या सोच दिखाऊं, फिर भी मैं दिखा देती हूँ आपको। कैन यू सी दैट, या मैंने जैसे कि ऑलरेडी बोला, अगर ये सब चीज़ों के बारे में आपको देखना है प्रॉपर एक ट्यूटोरियल, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू डू दैट फॉर यू। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है मेरे पास वो है फ्रॉम द ब्रांड एनवाई बे। मैंने लिया है इसमें से कॉन्टोर। कॉन्टोर का जो पैकेजिंग है वो कुछ इस तरीके का है। ये भी बहुत कम प्राइस में मुझे मिल गया था, यहाँ पे भी प्रॉपरली प्राइस एंड ऑल दैट एवरीथिंग हैज मेंशन्ड। जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसका वो है 8/20, मतलब अगस्त में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। ये एक्सपायर्ड हो रहा है जुलाई 2023 को, ठीक है। इसको अभी ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया है इसको आप फाउंडेशन की तरह यूज कर सकते हो, कंसीलर की तरह, अलग करेक्टर की तरह, हर चीजों की तरह। लेकिन मैंने इसको इसीलिए खरीदा है कॉन्टोर स्टिक के लिए। मेरे इसमें शेड है टॉफी 6, उसको ओपन करना है। ओ माय गॉड, कैन यू सी दैट, द पैकेजिंग इज सो गुड। एकदम मैट जेट ब्लैक कलर में आता है, इसमें लिखा है एनवाई बे। अभी ओपन करके देखते हैं इसका। ओके ओके, आई थिंक मेरे स्किन टोन में ये मैच करेगा कॉन्टोरिंग के लिए। या मैच करें,
लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज दिस एज वेल. बहुत सही जाने वाला है आई गेस. मुझे पहले ही परचेज में ये अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. वन मोर थिंग, हैंड सोच कुछ इस तरीके का है. नेक्स्ट मेरे पास जो प्रोडक्ट है अगेन फ्रॉम स्टेक वर्की कुछ इस तरीके से, ये है ब्लश. ब्लश एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, ब्लश में ज़्यादा लगाना नहीं पसंद करती. अगर लगाना पसंद करती हूँ तो लिपस्टिक ही लगा लेती हूँ. जो बुलेट लिपस्टिक होते हैं वो बहुत सही काम करते हैं मेरे स्किन पे. लेकिन आई हैव ऑर्डर दिस एंड अभी देखते हैं इसका फर्स्ट टेस्ट कैसा है. इसका पैकेजिंग मुझे बहुत सही लगा, बहुत स्टर्डी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड द कलर इज सो गुड. इनके यहाँ पे भी बैच नंबर है यूज बिफोर 23rd of January. इसमें मेरा शेड है कोरल चिप 5. इसका स्वॉच देखते हैं हम, बहुत ही ज़्यादा सही कलर है. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कैन यू सी दैट कलर? लव द कलर. मतलब ये पिगमेंटेड नहीं है, ये ज़्यादा पाउडरी नहीं है. ये मतलब अपने चिक में आज अ ब्लश बहुत सही काम करने वाला है, बहुत ज़्यादा सही काम करने वाला है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो प्रोडक्ट मैं बहुत सोच समझ के ऑर्डर किया है वो है फ्रॉम द ब्रांड ब्लू हेवन. इसको बहुत सारे अच्छे रिव्यू मिले थे इसीलिए मैंने इनको ऑर्डर किए हैं. ये है लिक्विड लिपस्टिक का, इनके भी प्रॉपरली डिटेल्स मेंशन किया है. इसका पैकेजिंग बहुत सही लग रहा है और प्रॉपरली पैक्ड किया गया है ब्लू हेवन की तरफ से. एंड इसमें मेरा शेड है 08. बहुत सही कलर है, बहुत प्यारा कलर है. रिव्यू भी बहुत अच्छे थे और बहुत ज़्यादा कम प्राइस में, इतने कम प्राइस में अगर इतने अच्छे लिपस्टिक आपको मिल रहे हैं, व्हाट एल्स यू नीड इन योर लाइफ. एंड द एप्लीकेटर इज सो गुड. मैं इसका भी आपके साथ स्वच्छ शेयर करने वाली हूँ. दिस इज सो गुड, दिस इज सो 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 गुड. इसका जो यू नो वाटर प्रूफ टेस्ट और जो स्मज टेस्ट है वो आपके साथ में शेयर करूँगी कभी बाद में. बहुत सही है, वन स्ट्रोक एप्लीकेशन में बहुत सही जाने वाला है. लिक्विड लिपस्टिक जनरली 4-5 घंटे के बाद ही छूटने लगता है. बहुत अच्छा ब्रांड हो तो वो लिप्स को ज़्यादा ड्राई आउट नहीं कराता है. दूसरा वो लिप्स पे एज इट इज़ रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब खाना खाने लगते हो तो यहाँ से निकलने लगता है जो कि अच्छा नहीं लगता. तो अगर इतने प्राइस में, कम प्राइस में, आई थिंक बिलो 100 रुपीज़ में मुझे ये मिला है, अगर वही काम ये कर रहा है जो कि मैंने रिव्यू में पढ़ा था, दैट देन ऑसम. एंड ब्लू हेवन प्रोडक्ट जो है वो है इंडियन. तो या दैट्स ऑल अबाउट इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. आई होप ये जो मिनी हॉल था जो बिगिनर है उनके लिए बहुत सुइटेबल रहा होगा. डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, कौन सा प्रोडक्ट आपने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, आपका रिव्यू क्या है, आपका राय क्या है, आप स्टेकवर के ब्रांड को कितना पसंद करते हो, आप स्विस ब्यूटी का जो आई शेडो पैलेट अगर यूज़ कर रहे हो तो आपने किस हिसाब से, कितने दिनों से इसको यूज़ किया है और क्या आप के लिए वो काम किया है. एंड नेक्स्ट आने वाला है मेरा नाइका एंड अमेजोन हॉल, वो दोनों एक साथ ही आएंगे. वहाँ पे स्किन केयर भी प्रोडक्ट इंक्लूडेड है. मैंने बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग नहीं की है, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ. जितने सारे ज़रूरी होते हैं जो मैं यूज़ कर पाऊँगी प्रॉपरली वही मैं सोच समझ के खरीदती हूँ. सो डोंट यू नो गो फॉर बहुत सारे प्रोडक्ट्स अगर सेल चल रही हो तो सोच समझ के ही खरीदो. मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.